उतर गए भैया भैया अरे भैया अरे भैया आप गाड़ी में बैठिए प्लीज गाड़ी में बैठिए गाड़ी में बहुत सही टाइम पे आए हो पीछे से खींचे फिर आप ले आओ फिर तो पीछे पीछे से खींचते हाय वेलकम बैक टू सेवी डायरीज अगेन वी आर बैक एट कान्हा टाइगर रिजर्व एंड टुडे वी आर एंट्रिंग फ्रॉम मुकी गेट टुडे इज आर सिक्स सफारी विच वी आर डूइंग फ्रॉम मुकी गेट और जो हमने फर्स्ट फाइव सफारीज की हैं वो हमने किसली गेट से की हैं और जो फर्स्ट से 15th अक्टूबर का जो टाइम होता है ओनली टू जोन्स आर ओपन किसली जोन एंड मुकी जोन हमारे ट्रिप्स थोड़े लंबे होते हैं तो जंगल का ट्रिप भी हमारा थोड़ा लंबा हो गया वो भी विराज के साथ में तो ये प्लान है 20-25 डेज का देखते कितना होता है हाँ कान्हा में 16 डेज का है और अभी हम जो स्टे कर रहे हैं वी आर स्टेइंग एट ताज बंजार टोला तो ये सफारी भी हमें ताज ने ही बुक करके दिया है ये व्हीकल भी ताज का है तो थोड़ा बड़ा है और कम्फर्टेबल क्योंकि आपने जो पहली सफारी में देखा वो जिप्सी थी वो भी कम्फर्टेबल थी अच्छा था जंगल की बात ही कुछ और होती है जो बर्ड्स होती है अपने नेचुरल हैबिटेट लुक एट दिस हाउस और अभी आप ये स्पाइडर वेब देखिए इट्स सच अ ह्यूज वेब और ये मानसून में ही बनते हैं लुक एट दिस सांबर डियर और आप इस ईगल को देखिए इट्स गॉट सच ब्यूटीफुल कलर्स अमेजिंग और ये पीकॉक्स को देखिए सो ब्यूटीफुल This is the least one can expect in the middle of the jungle. ये तो मैंने सिर्फ movies में देखा था अब ये हमारे साथ हो गया है यहाँ पे थोड़ा डर इसलिए है क्योंकि विराज हमारे साथ में है और जो सुना है एनिमल्स बच्चों पर पहले अटैक करता है तो हम लोग टाइगर की टेरिटरी में हैं और इतना बड़ा व्हीकल है तो जिस व्हीकल की मैं अभी तारीफ कर रही थी बड़ा है कम्फर्टेबल है अब वही थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया क्योंकि इसको निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है वो हिल भी नहीं रहा है तो फ़ोन तो कर दिए गए हैं और यहाँ पे जो भी फॉरेस्ट ऑफिशियल थे वो सब लोग आ गए हैं हेल्प के लिए यहाँ पहले से बना हुआ था रास्ता हमने देखा वो खराब है तो सुबह बनाया होगा किसी ने बोल के सोचन वो उतर गए भैया भैया अरे भैया अरे भैया आप गाड़ी में बैठिए प्लीज गाड़ी में बैठिए गाड़ी में इसको कभी मारते हैं नहीं निकलेगा बट ये पूरा धस गया ना इधर वो चक्का लग बैठ गया ये ना ये यहाँ आके ना ये सड़के यहाँ पे ये नहीं रास्ता ये वाला बना है करके इधर निकल उधर का पूरा चीज बैठ गया ना ट्रैक्टर के लिए बोला था तो ट्रैक्टर आ गया है अब देखते हैं कैसे निकालते हैं यहाँ से यही जंगल अभी तक हमें बहुत खूबसूरत लग रहा था बारिश के बाद इतना ग्रीन इतना नया इतना सारे एनिमल्स इतने अच्छे लग रहे थे लेकिन अब जब हमारा व्हीकल स्टक हो गया यहाँ पे तो अब यही थोड़ा सा डरावना लगने लग गया है हाँ मतलब एनिमल्स आते नहीं है अगर बहुत बड़ा ग्रुप हो लोगों का बहुत सारे लोग खड़े हों तो वो भी थोड़ा डरते हैं एंड दे ऑल्सो स्टे अवे फ्रॉम पीपल लेकिन फिर भी एक थोड़ा डर कहीं ना कहीं डर तो होता ही है क्योंकि एक तो विराज साथ में इसलिए सबसे ज़्यादा डर है लेकिन स्टिल वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग और अब मोमेंट्स कैप्चर कर लेते हैं कि जो भी जैसा भी हो रहा है क्योंकि आप किसी भी सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग रह के ही निकाल सकते हो
अगर कहीं आप वीक पड़ गए तो, और आप वीक होते जाते हो, सो बी स्ट्रॉन्ग एंड विल कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन ऑल्सो. आप सब लोग हेल्प तो कर ही रहे हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, उधर से महावत भी आ गए हैं जो पेट्रोलिंग के लिए, जो एलिफेंट होता है वो भी आ रहा है. तो ये सब तो अपने खैर जंगल पेट्रोलिंग के लिए है. बहुत सही टाइम पे आए हो. खुद डरता है ना. एक काम करो यार, छत चल जाओ. थोड़ा सा अगर पीछे से, पीछे से नहीं देख पाएगा. नहीं तो कहीं भी छेद कर देगा. सूंड से इसको हल्का कराए तो कंट्रोल नहीं है ना. वो सोंड से पीछे नहीं, वो नहीं करेगा, दबा देगा ना. दबा पीछे से खींचे, फिर आप ले आओ फिर तो पीछे पीछे से खींचते. नहीं खींचेगा पीछे भी, इसलिए कि ये बैठ गया है पूरा सामने से खींचेगा तो देख कहीं, क्योंकि इधर टेकरा भाग गया ना. वो टेकरा बहुत हल्का सा, ये अगर पीछे आए ना तो टेकरा आने का, टेकरा नहीं चढ़ पाएगा. नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ ना, काम करो ज्यादा तो पत्थर जैक तो हो गए तो कहाँ से उठेगा वो जैक, डलेगा कहाँ. नहीं वहाँ नहीं डालना है, इधर डालेंगे. नहीं उठाएगा ना, वो डरता है ना, और कहीं कहीं मार मोर देगा गाड़ी के, मार देगा. अरे यार बल्ली काट थे ना, बल्ली से ऐसे कहीं उठा के देखते थे इतने लोग. थोड़ा सा पत्थर डालेंगे ये चक्का, जब तक से गाड़ी चलेगी नहीं. ये भी और सामने वाला भी हुई है, ये चारों चक्के वही में राउंड ले रही गाड़ी. फोर व्हीलर करके तो कम आ रही है, और वहां लकड़ी डालना है ये तो गाड़ी और ही फ्रेम उठेगा. अब तो रोड ही बंद हो गया ना, बस ये निकल जाए तो फिर टेंशन ही दूर. लाओ ना यार बल्ली बल्ली. सब हम लोग बिल्कुल मिडल ऑफ द जंगल में हैं, और अब हम लोग तो एनिमल्स को नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे बीच में स्टक हो गए हैं. हाँ, हमें एनिमल्स ज़रूर देख रहे होंगे और वो बिल्कुल पूरा बार मज़ा ले रहे होंगे कि ये अब आज फंसे हैं, ये हमें देखने आते थे, अब हम इन्हें दूर से देखते हैं. बस यही है कि वो दूर से ही देखते रहे, हमारे पास नहीं आए. एंड लेट्स होप कि जल्दी से हमारा ये जो व्हीकल है बाहर निकले. विराज हमारा इंजॉय करता है. मैंने बताया था कि सुबह उठ जाता है वो हमारे साथ में. हम लोग 4 o'clock उठते हैं क्योंकि सफारी जो स्टार्ट होता है 6 o'clock स्टार्ट होता है, यू हैव टू बी एट द गेट 5:45. तो हम लोग 4:30 उठ जाते हैं. विराज भी हमारे साथ उठ जाता है, उसको मतलब अभी इतना सफारी कर लिया तो उसे भी कहीं ना कहीं पता चल गया है कि दैट ही हैज़ टू गेट अप एट 4:30, गेट रेडी एंड बी ऑन द व्हीकल और जंगल देखना है. तो मैं तो यही देखता हूँ बच्चों में कितना ज़्यादा अवेयरनेस होती है, इतने छोटे बच्चे और उनको सब कुछ पता होता है. वो बोल नहीं सकते हैं बट दे कैन सेंस एवरीथिंग, दे कैन फील एवरीथिंग, एंड दिस इज हाउ द बच्चों का जो ग्रोथ होती है वो इस तरीके से शायद अच्छी होती है. दिस इज द थर्ड टाइम वी आर स्टक लाइक दिस इन द जंगल. फर्स्ट टाइम इट वॉज इन साउथ अफ्रीका क्रूगर नेशनल पार्क, वहां पे आप सेल्फ राइड कर सकते हो जंगल में. तो वी वर इन अ व्हीकल और हमारा गाड़ी का टायर पंचर हो गया था इन द मिडल ऑफ द जंगल लायंस की टेरिटरी के बीच में. सेकेंड टाइम इट वॉज इन चितवन नेशनल पार्क नेपाल, वहाँ पर भी इसी तरह से गाड़ी हमारी स्टक हो गई थी और वही ताज का व्हीकल था. एंड दिस इज द थर्ड टाइम वी आर हियर लाइक दिस. करते हैं ना, करते हैं साहब, बीच में
चितवन नेशनल पार्क में तो हमारे व्हीकल को हाथियों के हेल्प से निकाला गया था, अब यहाँ पर ट्रैक्टर के हेल्प से निकाला जा रहा है। तो हमें काफ़ी टाइम हो गया, अभी 2 आवर्स के अप्रॉक्सीमेटली हो चुका है। हम लोग तो ठीक है, बस विराज का थोड़ा सा है क्योंकि एक ही जगह पर है, बट अभी कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। ही इज एंजॉयिंग, ही इज वॉचिंग द थिंग्स, ही इज ऑब्जर्विंग कि कैसे क्या आ रहा है। फाइनली हमारा व्हीकल निकल चुका है, सो नाउ इट्स टाइम टू से थैंक यू टू दोज हु हैव हेल्प्ड अस। और अब हमारा ब्रेक टाइम होगा क्योंकि सारा टाइम तो हमारा सफारी का यहीं निकल गया है। So we'll do a breakfast somewhere in the bushes. So this is the best part of Taj Safari. कि आपको नहीं मतलब अभी जंगल में आप सब यहाँ पे स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, और ये जो कस्टम है वो यहाँ पर ताज सफारीज ने ही शायद शुरू किया था। तो हमें तब से ही जंगलों में आना अच्छा लगने लगा है कि आप सफारी करते हो, देन यू टेक ब्रेक, देन यू हैव ब्रेकफास्ट इन द मिडल ऑफ द जंगल, गाड़ी के ऊपर पिकनिक टाइप का भी होता है। So that's a different experience. चलेंगे ये सब कुछ दोबारा बैक टू बेसिक्स कर दिया था और कुछ नहीं। उनका तो फंडा ऐसा है, लेमन राइस बना थोड़ी चटनी वटनी ले चलो। नाइस। सो आपको लेविशली ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है। अच्छा, आप यहाँ पे जंगल के बीच में ब्रेकफास्ट करना, और अब हम नहीं लोग हैं यहाँ पर क्योंकि बाकी सब लोग निकल चुके हैं, इधर उधर हो चुके हैं। मतलब जंगल में है तो एनिमल तो हो सकता है आसपास, बट एज आई सेड कि एनिमल भी थोड़ा सा लोगों से दूर रहता है, ह्यूमन से दूर रहता है अगर अच्छा वाला ग्रुप हो तो। ये बट स्टिल बी अवेयर, बी कॉशियस अबाउट योर सराउंडिंग्स कि आसपास कहीं कुछ है तो नहीं। तो हमारे साथ में नेचुरलिस्ट होते हैं, तो हमारे साथ तो 2 नेचुरलिस्ट हैं, एक ताज के भी हैं वो जो नेचुरलिस्ट भी हैं और ड्राइवर भी हैं, और एक नेचुरलिस्ट जो फॉरेस्ट की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। So we have 2 nationalists with us. So yes. जंगल में बीच बीच में इस तरीके से डेडिकेटेड स्पॉट्स बने हुए हैं जहाँ पर आप ब्रेक ले सकते हो। मुखी जोन में ये वाला है, यहाँ पे एक फॉरेस्ट गार्ड का हट भी है। कान्हा जोन में वहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर बहुत अच्छे समोसे मिलते हैं और पोहे मिलते हैं। आप जब भी जंगल में आएंगे आपको जंगल बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। आप मॉर्निंग सफारी में आते हैं तो जंगल आपको डिफरेंट लगेगा, आप वही आप शाम को सफारी के लिए आते हैं तो आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। तो हम तो कोशिश करते हैं जितनी सफारी कर सकते हैं हम उतनी करते हैं, और हमने इस बार ज़रूर थोड़ा कम किया, इस बार हमने ऑल्टरनेट डेज रखा है विराज की वजह से। हाँ, मैंने सोचा था कि पहले मैं कर नहीं पाऊंगी, बट फर्स्ट डे आई ट्राइड कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इट वॉज सक्सेसफुल। तो देन वी हैव बीन डूइंग सफारीज कंटिन्यूसली विद हिम, सो दिस इज अ 6th safari विद अस, और हमें तो बहुत मज़ा आता ही है। तो इस बार आज की सफारी भी बहुत मज़ेदार रही है, डिफरेंट रही है। गाड़ी स्टक हो गई थी तो वी एंजॉय दैट पार्ट ऑल्सो, और कैसे मतलब ये भी एक्सपीरियंस है ना, अगर गाड़ी स्टक हो जाए तो कैसे निकलती है। नेपाल में निकली थी हाथियों से, यहाँ पे निकली है ट्रैक्टर से। सो
इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस यू गेट, और इसी से आप जिंदगी में भी सीखते हो कि आप किसी भी सिचुएशन में कहीं पे स्टक नहीं रहोगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होगा और आप उस जगह से निकलोगे। So one more beautiful and adventurous day spent here in Mukhi Zone, Kanha National Park. Thank you. ये विराट तो वेट कर रही है, बोल रहे हैं विराट सो रहे हैं और हम तो जगी जगी घूम रहे हैं। देखो देखो इतने सारे दिए, इतने सारे। तो क्या 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 क्